please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की नंबर वन डिबेट। क्या मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है? हम कहते हैं नहीं और बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी अब इससे बहुत आगे निकल चुकी है और जो खुलासा अभी कुछ मिनटों में हम करने जा रहे हैं, जिस पर बस थोड़ी देर में हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल खुलासा करने वाले हैं। और कल के अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस वक्त की यह सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। लेकिन विपक्ष अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा, तो सरकार कह रही है कि संख्या बल हमारे पास है और हम विपक्ष को कल चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर वाकई मोदी सरकार के पास प्रचंड संख्या बल है, तो फिर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है? कहीं ये अविश्वास प्रस्ताव के बहाने महागठबंधन की ताकत को तो नहीं भापा जा रहा और नापा जा रहा? आज इसी पर होगी ये सबसे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर बहुत बड़ा पॉलिटिकल खुलासा, भूकंप वाला सियासी खुलासा जरूर देखिए। देखते जाइए, कल इस पर चर्चा होगी, कल वोटिंग भी होगी, कल देखिए प्रतीक्षा करिए भूकंप। राहुल गांधी के बारे में सुनामी भी आ सकती है। जिस 15 मिनट में कहा गया था कि देश के अंदर भूकंप आ जाएगा, सब लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, त्रहीमाम हो जाएगा, उस 15 मिनट के राहुल गांधी के भाषण के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सवाल सरकार पर विपक्ष के अविश्वास का है तो सरकार पर तो कहीं से कोई खतरा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार को चाहिए 268 वोट और सरकार के पक्ष में संख्या बल है 314। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर महागठबंधन की एकजुटता का ट्रायल हो रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर भरोसा खुद कांग्रेस का भी हिला हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, मुद्दा ये है कि 4.5 साल तक जो आपने जुमलेबाजियां की और लोगों को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया, अंदर ही अंदर जो आग सुलग रही है वो क्या नतीजा दिखाएगा, ये तो नंबर्स की बात है। सोनिया जी की गणित कमजोर है, वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। मोदी सरकार का बढ़ती समर्थन है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि खुद कांग्रेस में अविश्वास प्रस्ताव पर मतभेद हो गया है। कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं को लगता है इस बहाने पीएम मोदी को विपक्ष पर प्रहार का खुला मौका मिल गया है। तभी बीजेपी ने पहली बार में ही कह दिया कि हम मुकाबले को तैयार हैं। तो क्या वाकई विपक्ष पीएम मोदी के जाल में फंस गया है, या फिर विपक्ष अपनी एकजुटता की ताकत नाप रहा है? क्या वाकई कल संसद में आएगा भूकंप? और कल संसद में भूकंप आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज हम एक जो पॉलिटिकल खुलासा कर रहे हैं वो जरूर भूकंप वाला खुलासा है। आइए उसका रुख करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ये बहुत बड़ी खबर है, जो आका जा रहा था वो क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत बड़ी खबर, विपक्ष को झटका देने की तैयारी में है मोदी सरकार। यह आखिरी दिन नहीं होगा मोदी सरकार का। मोदी सरकार मिशन 350 पर काम कर रही है। मोदी सरकार, हम आपको बता रहे हैं, एनडीए की मौजूदा सीटों से ज्यादा संख्या बल दिखाने की तैयारी में मोदी सरकार, यानी इस अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब देगी मोदी सरकार कल संसद के अंदर। और खबर तो यह मिल रही है कि 3.5 घंटे के करीब बीजेपी के सांसद और एनडीए के सांसद बोलेंगे, लगभग 3 घंटे 33 मिनट, और उसमें वो थो ढालेंगे विपक्ष को, खबर ये मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास मत जीतने के लिए बीजेपी को सिर्फ चाहिए 268 सांसदों का वोट, लेकिन एनडीए का फिलहाल जो नंबर है वो 314 का है, लेकिन एनडीए इसको 350 के पार जुटाने में जुटी है। और मोदी सरकार चाहती है कि यह आंकड़ा हम 350 के साथ पार करें। और बीजेपी के समर्थन में AIADMK और TRS दोनों इस समय हैं, ये हमारे सूत्र कहते हैं। तो ये बड़ी पॉलिटिकल खबर है, यानी ये धोबी पछाड़ होगी नरेंद्र मोदी की, समूचे विपक्ष को, जो बार बार कह रहा था कि ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले से बड़ा संख्या बल लेकर संसद के मैदान में कल क्या उतरने वाले हैं, ये समय की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। और मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री
बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन स्टूडियोज में इस समय बने हुए हैं इस पर अपनी बात रखने के लिए। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के कद्दावर नेता सीडब्ल्यूसी मेंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएल पुनिया है, घनश्याम तिवारी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। नवाब मलिक है एनसीपी के बड़े नेता, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए प्रवक्ता भी हैं। अजय कुमार है महासचिव एलजेपी के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पीएल पुनिया साहब आपके पास आता हूं, इस समय की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार छोटा मोटा बहुमत नहीं 350 सीटों वाला बहुमत दिखाएगी कल सदन में, आपको इस पॉलिटिकल खबर पर आप क्या रिएक्शन देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जोड़ तोड़ में माहिर है और उसी के कारण आप गोवा में सरकार बना लिए, आप त्रिपुरा में सरकार बना लिए, मणिपुर में और जगह जगह पर इसी तरह से जोड़ तोड़ की है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को संभाल के रखने की जरूरत है। 5 सांसद जिसमें उदित राज हैं, जिसमें सावित्रीबाई फुले हैं। सर आप 5 सांसदों की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी की पूरी पार्टी उठ के उनको समर्थन कर रही है, AIDMK TRS समर्थन कर रही है, शत्रुघ्न सिन्हा जिसका आप नाम लेते हैं उन्होंने बोला मेरा वोट तो बीजेपी को ही है। क्या उनके आप उनके ब्लॉक अध्यक्षों को भी गिनवा रहे हैं? जिस पूरी पूरी पार्टी क्या होती है, उनके जो सांसद लोकसभा सदस्य हैं उतने को तो गिनवाएंगे? क्या 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 जो भी हो, क्या जो राहुल गांधी भूकंप की बात कर रहे थे, क्या पुनिया साहब कल सदन में भूकंप आएगा? कांग्रेस कल भूकंप लाएगी सदन में, जिस भूकंप की बात पिछले सत्र में राहुल गांधी करते रहे कि मैं 15 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। कल की बात कर रहे हैं तो कल तक का इंतजार करिए, कल तो का इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए जरूर। अब अरे आप इंतजार करेंगे तब जो कल होने वाला है वो आज आप कैसे बता देंगे? आपने जो आज अभी बताया है वो कल क्यों नहीं बताया, क्यों पहले क्यों नहीं बताया? सवाल ये है कि आरोप लगेंगे और गंभीर आरोप लगेंगे, अमित शाह के ऊपर लगेंगे, जिसके ऊपर उनके बेटे उनके जैसा के ऊपर आरोप लगेंगे, प्रधानमंत्री मिले हैं 15-16 मिनट तो राहुल गांधी बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो क्या उन 16 मिनटों में भूकंप आ जाएगा? 38 मिनट आपको टोटल मिले अलॉट हुए कांग्रेस पार्टी को, 3 घंटे 33 मिनट बीजेपी के पास है, क्योंकि उनका नंबर बहुत बड़ा है, आपका नंबर बहुत कम है। देखिए, नंबर जो नॉर्मल बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए संख्या बल के आधार पर आवंटित किया जाता है, ये अविश्वास प्रस्ताव है। जो आरोप लगाने वाले हैं उनको आधा घंटा और जो जवाब देने वाले हैं उनको 3.5 घंटे, ये कौन सी न्याय है? अरे जो संसद चलती है जवाब देने वाले है, लेकिन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे आप कई वर्षों तक, आधे घंटे में जवाब दे ये तो शिकायत शुरू हो गई कि हमें कम समय मिला जा रहा है। संख्या कम है जब भारतीय जनता पार्टी दो सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी 84 में 2 सीट जीतकर आई थी तो उसको उसी आधार पर समय मिलता था, तो जो पार्लियामेंट जो है वो संख्या बल पर समय बढ़ता है। मैं अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, कहें अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा ही होता है, एक नहीं अनेक बार हमने अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिया है, पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह समय दिया जाता है। आपकी संख्या 48 है, उसके हिसाब से आपको 38 मिनट का समय है, और मैं मानता हूं कि जो समय मिला है उस समय में आपने तो यही कहा ना, राहुल जी ने कहा था कि अगर 15 मिनट बोलने का अवसर मिल जाए तो भूकंप आ जाएगा। हम चाहते हैं राजनीतिक भूकंप वो लाने की बात कहें तो सही है, ऐसे देश के हित में भूकंप नहीं होता है। देश में कहीं पर भी आपको उम्मीद है कल के भूकंप की? नहीं, कौन सा भूकंप आएगा, पूरा देश इंतजार ये कर रहा है कि राहुल गांधी जी बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जब ये बात उन्होंने कही थी उसके बाद पार्लियामेंट चली नहीं, पार्लियामेंट को आपने चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट को रोकने का काम किया, हर सत्र को बर्बाद किया, सांसदों का भत्ता बढ़ गया, आपने ये नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि जो आरोप लगाने वाले हैं उनको सिर्फ 38 मिनट और जो आरोप सहने वाले हैं यानी आपको 3 घंटे 33 मिनट को किस बात का? आपने 50 महीने आपने नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांग लिया, देश तो 50 साल का हिसाब मांग रहा है, हिसाब हम भी मांगने वाले हैं। उन्होंने खुद कहा था जी, अरे देखिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं 5वें साल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा, लेकिन वो तो नहीं आए, जो मुद्दे उठाए थे उनसे बचते रहे जी। हम चाहते हैं कि उनका जवाब दें और इसीलिए ये
अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, इसका जवाब देना होगा। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और मैं आपसे कह दूं कि आप प्रधानमंत्री पर जिस तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, आज प्रधानमंत्री जी के पक्ष में साफ नियत से, अब आप काफी देर बोले, शारवाली 40 सेकंड तो देंगे आप। मेरी बात पूरी नहीं हुई, अगर मैंने भी संसद वाला नियम अपना लिया तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। सिलसिलेवार अगर मैंने भी संसद वाला नियम अपनाया तो आपको कम समय मिलेगा आपके संख्या बल के आधार पर, लेकिन मैं तो बराबर का समय दे रहा हूँ आपको, मैं तो बराबर का समय दे रहा हूँ। आप तो शारवाली सर को 50 सेकंड सुनिए। देखिए मैं पुनिया जी के को आदर के साथ कहता हूँ, पुनिया जी मैं थोड़ा 40 सेकंड कह दूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप बोलिए। पुनिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं और देश के बड़े अधिकारी रहे हैं, वो नियम नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं कि जवाब सवाल वाले को 38 मिनट, जवाब वाले को 3 घंटे 33 मिनट। सवाल ये है कि पार्लियामेंट जो है वो संख्या बल से चलता है, देश आपकी पार्टी बहुत बड़ी है लेकिन आपके सांसदों की संख्या बहुत कम है, इतिहास में सबसे कम संख्या इस बार कांग्रेस की है, तो समय तो उसी हिसाब से होगा। आपके भी सहयोगी हैं, आप अपनी बात को 2 मिनट में भी कह सकते हैं और 2 घंटे में भी कह सकते हैं। तो जो बात है कल संसद में बात सुनेंगे, सरकार अपनी बात कहेगी, आपकी बात सुनकर जवाब दिया जाएगा, पहला आपकी तरफ से होगा, फिर सरकार जवाब देगी, आपके वक्ता का दूसरे जवाब देंगे, लेकिन आप पार्लियामेंट को चलने देना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह आपने पुनिया साहब हमको सुना है, तो कल प्रधानमंत्री को सुनकर कांग्रेस को जाना चाहिए। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि बीच में ही चले गए, अपना बोला और चले गए। प्रधानमंत्री एक एक सवाल का आपको जवाब देने वाले हैं। 40 सेकंड शारवाद हुसैन की बात का जवाब। कल से जब से स्पीकर महोदया ने यह कहा कि अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है, दोनों हाउस में काम चल रहा है, ये सरकार के ऊपर है, पिछली बार भी चलता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को वो किसी न किसी बहाने से, और बहाना क्या, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एनडीए के सहयोगी दल उनके सांसद वेल में आके व्यवधान पैदा करते रहे, जिससे हाउस ऑर्डर ना होने की वजह से स्पीकर ने कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं टेकअप किया जा सकता और सत्र खत्म हो गया। अगर पिछली बार ही चर्चा करा ली होती तो पिछली बार भी सदन चलता, आज चर्चा कराने के लिए सहमत हो गए तो पूरा सदन, पूरी पार्लियामेंट हाउस ऑर्डर डिसऑर्डर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दल उनके सांसद ये रिकॉर्ड है, ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, एक भी सांसद का रिकॉर्ड है। जो लोग थे वो आपके एलाइज थे, जो लोग आकर बात कर रहे थे, अगर टीडीपी के सांसद कर रहे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी से ये अलग हो गए थे। आप, हम लोगों ने कहा कि हाउस को ऑर्डर में होना चाहिए। जी देखिए, मैं नवाब मलिक के पास जाता हूँ। नवाब मलिक, मैं बड़ा सीधा सवाल रखता हूँ, क्या ये 2019 से पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा, या फिर कहें तो ये 2019 के चुनावों का शंखनाद होगा कल संसद के अंदर, जब राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे? देखिए ऐसा है, चुनाव की तो आहट हो रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अब दो चीजें हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया। देखिए अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हथियार है कि जब सरकार की चौथरफा नाकामियों पर चर्चा करानी हो तो विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल करता है, और पिछले सत्र से वो प्रयास कर रहा था, स्वीकार किया गया, निश्चित रूप से चर्चा होगी। अब यहाँ समय को लेकर आपने कुछ जानकारियाँ दी, संसदीय परंपरा है कि इस तरह के प्रस्ताव या और कोई प्रस्ताव जब होते हैं तो ट्रेजरी बैंक को, बेंच को आधा समय और विपक्ष को आधा समय दिया जाता है। ये परंपरा पिछले 70 साल की इस देश में है। संख्या बल उस समय नहीं देखा जाता जब व्यापक चर्चा होती है। हमें लगता है सुमित्रा महाजन जी को इससे पहले जो भी परंपरा है, पर आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। 3 घंटे 33 मिनट बीजेपी के लिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, बाकी दलों को भी, बाकी दलों को समय मिला गया है। आप सुनिए ना, सुनिए, बोलने दीजिए ना मुझे, आप बोलने नहीं देते, बोले आप बोलिए, आधा समय ले और विपक्ष आधा समय ले, ये परंपरा संसद की रही है, विधानसभाओं की रही है। अगर उस परंपरा को निभाएंगे तो हमें लगता है कि कल अच्छा होगा, परंपरा चलेगी।
जहां तक मुद्दों का सवाल है सर, ठीक है सर, अब आप समय की बात करें, मैं नंबर की बात करता हूँ। नहीं, मेरे सूत्र कहते हैं कि आप बोल रहे हैं, सूत्र कहते हैं कि बीजेपी बोल रहे हैं 350 का आंकड़ा है। मेरी बात पूरी करने देंगे भाई, करिएगा सर भाई, मेरी बात समय पर यहाँ पर डिबेट करके तो कोई फायदा नहीं होगा। सुमित्रा महाजन आपको ज्यादा समय नहीं दे देगी, मेरे भाई आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, मतलब क्या है मेरे भाई? आप विश्वास प्रस्ताव में बात तो कुछ होने दो भैया, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का भोंपू की तरह इस चैनल को चलाना है तो आप चलाइए, वरना बात करने दीजिए। आप अपनी बात क्यों ढोल बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? नहीं नहीं, बात करने दीजिए ना। हमें लगता है कि सरकार की नाकामियां, बेरोजगारी हो, राफेल का घोटाला हो, जर्मन पनडुब्बी की खरीदी हो, ये सब मुद्दे आएंगे। नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला देश में है, ये बात आएगी। गवर्नर ये नहीं बता पा रहा है कि कितनी नोट जमा हो गई, नकली कितनी, असली कितनी, अभी तक अन्य देशों में कितने नोट है, तो ये सब घोटाले तो आएंगे, उसका जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। मीडिया को ही दोष दो। आज राम गोपाल जी से पूछा गया कि कल आपकी रणनीति क्या है, उन्होंने पत्रकार को गाली दे दी। यहाँ ऑन स्क्रीन नवाब मल्लिक साहब आपको बीजेपी का ढोपू का करार दे रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन, मतविहीन और जनता का विश्वास खो चुका है और समय बर्बाद कर, देखिए कैसी हताशा है। पुनिया साहब, समय की लड़ाई यहाँ तो बंद कर दीजिए ना भैया, मत बुलाइए ना। क्या ये लड़ाई यहाँ लड़ी जानी चाहिए? मत बुलाइए ना, हम लोगों को मत बुलाइए। लोकतंत्र में, इनके पास लोकतंत्र में और कोई हथियार ही नहीं बचा सरकार को घेरने का। आप सरकार के साथ हैं? हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं और जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि पता नहीं भूकंप आए या ना आए, लेकिन कल मोदी सुनामी जरूर आएगी। हमें बर्बाद करने कल मोदी की सुनामी जरूर आएगी। तो आप और कुछ कहना चाह रहे? 2014 तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, क्यों आप समय की लड़ाई लड़ते रहिए। पर एक सेकेंड, कपिल सिब्बल ने बोला था कि कब सुनामी आएगी। बात कर रहे हैं यहाँ जी, मोदी की सुनामी आएगी, बर्बाद कर रहा हूँ। ओके, पीएल पुरिया कुछ कहना चाह रहे? चालीस सेकंड समय बर्बाद हो रहा है, तो ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समय बर्बाद करने कह रहे हैं, तो आप भी समय बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों चर्चा में आए? हम तो चर्चा में बर्बाद होते आए हैं, ये हम तो चर्चा पार्लियामेंट में आए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से जानना चाहते हैं। डेमोक्रेसी सरकार में कुछ कमियां हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो, विपक्ष सरकार को घेरे। कल बताएंगे, झूठी कल की तो बात आप कहते हैं। अभी एंकर ने पूछा कि बताइए कल आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आपका ये तय नहीं है कि राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी की नीति तय नहीं है, पूछने आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपको बताने आएंगे जाने जाते हैं। आप सरकार को बताएंगे नहीं, आप जनता को बताएंगे नहीं, आप मीडिया को बताएंगे नहीं, किसको बताएंगे? इटली दीजिए, इटली को बताएंगे साहब, इटली को जानकारी देंगे आप? अजय कुमार कह रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक बड़ा हथियार होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो काम मना कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, और कहां मना कर रहे हैं? जानकार नहीं है वो, इस तरह की वो इस तरह की बेवकूफी की बात करते हैं। देखिए, वरना ये कहां मना कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है 4.5 साल से बेवकूफ बोलना ठीक नहीं है। पुनिया साहब, बड़े वरिष्ठ हैं, समय पर इस तरह का समय समय पर ये दिखा रहे हैं कांग्रेस का कल्चर होता है, और ये जरूरी दिखा रहे हैं, और जरूरी नहीं है। नहीं, पर आपको ऐसा बेवकूफ नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। अविश्वास प्रस्ताव, ये रामविलास अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर कितनी सरकारें गई हैं, कितनी सरकारें गई हैं, लेकिन फिर भी उसका बातों से फिर भी से जवाब दिया जाना चाहिए जी। और कल जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में चर्चा में भाग लीजिए। मैं ब्रेक, अपनी बात को कम शब्दों में भी कह सकते हैं। मैं ओके, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे घनश्याम ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो आर पार में अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं। आप देखते रहिए ये बड़ी बहस, क्योंकि हम कल का विश्वास मत क्या होने वाला है उसका आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ चार विपक्ष के प्रवक्ता हैं, दो सरकार की ओर से हैं, शाहनवाज हुसैन और अजय कुमार, पीएल पुनिया, घनश्याम तिवारी, नवाब मलिक और अब दुष्यंत चौटाला सांसद जुड़ गए हैं, आईएनएलडी के सांसद हैं, ये भी अपने पत्ते खोलेंगे आपसे कुछ मिनटों में कि ये किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं रुक घनश्याम तिवारी का करता हूं, क्योंकि वो 18 मिनट से वेट कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी, आपके पास मुझे आना होगा और बहुत सीधा सवाल मैं पूछता हूं। कल का अविश्वास प्रस्ताव, खबर यह मिल रही है कि नरेंद्र मोदी
कि सरकार 350 के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, 350 का आंकड़ा लेकर आएगी, तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या रह जाएंगे? या फिर ये कहें तो महागठबंधन का बड़ा टेस्ट, सरकार कहां खड़े हैं वो? सरकार की विपक्ष बहुत साधारण से प्रस्ताव पे काम कर रही है। क्या हम कल देश की बुनियादी जरूरतों के बारे में सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकेंगे कि नहीं पूछ सकेंगे? 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, पिछले 5 साल में 5 बार नहीं कहा अच्छे दिन आ रहे हैं। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज सबका नाश सबका विनाश हो रहा है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, आज सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कोई बात नहीं करते। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, काला धन की बात करते थे, आज बता रहे हैं कि स्विस बैंक में सफेद धन भारत का जमा हो रहा है। 5 साल पहले वो कहते थे कि पाकिस्तान को ठिकाने लगा देंगे, आज देश की आंतरिक राजनीति में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं आता है। तो ये बड़े बुनियादी सवाल है। हमारा जो जनता से अपेक्षा रहेगा बड़ा साधारण सा है कि जब हम बोलेंगे तो आप अपने आसपास देखिए टीवी पे बैठ करके कि क्या हम आपके आसपास के जीवन के बारे में बोल रहे हैं, क्या हम पूछ रहे हैं ये सरकार आपके आसपास का भाईचारा क्यों समाप्त कर रही है, क्या हम पूछ रहे हैं ये बड़े गंभीर आरोप है, अजय कुमार क्यों नहीं होते, क्या हम पूछ रहे हैं आपके आपके सामने ये मैं कह रहा हूँ घनश्याम जी, एक अंतिम बात कहूंगा, खत्म है, एक अंतिम बात कहूंगा, क्या एक अंतिम बात कहूंगा, अंतिम बात अजय जी, जी आप बहुत बोले, मुझे एक अंतिम बात कहने दीजिए, कि इस देश में शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक हर रोज हिंदू मुस्लिम बहस टीवी पर होती है और शशि थरूर को समझाइए और हिंदू पाकिस्तान और हिंदू तालिबान कह रहे हैं, सब लोग मीडिया को ब्लेम करते हैं, नेता बोलेंगे गिरिराज सिंह कुछ बोलेंगे, शशि थरूर खुद बोलेंगे और यहाँ पर मीडिया को ब्लेम करने का चिपका चिपका देंगे कि मीडिया हिंदू मुसलमान पे डिबेट कर रही है, आज हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो रही है, आज हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो रही है, आज हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो रही है, क्या आज डिबेट किस विषय पर हो रही है? आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान आए, आप चाहते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान आए जिससे आपका वोट बैंक सुरक्षित हो जाए। ये बात हम संसद में पूछेंगे जिसे कोई टीवी चैनल रोक नहीं सकता है। इस देश में आजादी के बाद जितना टीवी चैनल कुछ नहीं रोक रहा, आजादी की मानसिकता आपको रोक रही है, अपनी मानसिकता को सुधारिए, जरूरी है आप लोगों के लिए। अमित जी जितनी आजादी के बाद जितनी शांति अमन अभी है, इससे पहले कभी इतनी शांति नहीं थी, कहीं पर देश में कर्फ्यू नहीं है, कहीं दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर रह रहे हैं, दुनिया में जितने अरब हैं उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, अब ईरान इराक में आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलकर रह रहे हैं। बताइए कहीं दंगा फसाद हो तो हम साथ चलते हैं इनके घनश्याम जी के साथ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक दो घटना ऐसी हुई है जो उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान डिबेट कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू पाकिस्तान आप कर रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हिंदू बुद्धिजीवी ये आप कर रहे हैं, आप कभी कह रहे हैं मंदिर की पॉलिटिक्स, कभी कह रहे हैं भारत मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये बयान आप दे रहे हैं तो मीडिया चर्चा करता है। 40 सेकंड में जवाब शाहनवाज हुसैन का, फिर दुष्यंत हिंदू मुसलमान नहीं, हम लोग फिर दुष्यंत चौटाला साहब की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस, रिस्पोंड टू शाहनवाज, सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है ओके, सब पीएल पुनिया मुसलमान को एक चश्मे से देखते हैं। शाहनवाज यू मेड योर पॉइंट, पीएल पुनिया साहब की टर्न है, पुनिया साहब प्लीज मेक योर पॉइंट। देखिए जो 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 शहनवाज साहब बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जो विश्व विख्यात साहित्यकार प्रोफेसर इरफान हबीब, उन्होंने कहा मैं तो मीटिंग में मौजूद था, ऐसी बात कोई हुई नहीं, लेकिन जबरदस्ती जो एक ग्रुप के मीडिया ग्रुप के अखबार से वो बिना किसी के संदर्भ से बिना किसी के बयान से वो लेके उड़े और उस पर चर्चा शुरू कर दी, उस पर बयान देने शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 1885 से लेके आज तक कभी उस पर आरोप नहीं लगा, कभी धर्म और जात के आधार पर बांटने का काम किया हो समाज का, हमेशा सब वर्ग को एक साथ लेके चलते हैं। कल का मौका है, ये एक शुद्ध रूप से सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 2014 में जो जो वादे किए थे, हम तो ये कह रहे हैं कि उसका हिसाब देंगे, उसका हिसाब लेंगे, और उन्होंने खुद कहा था
कि चार पांच साल चार साल के बाद पांचवें साल में मैं अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाऊंगा तो रिपोर्ट कार्ड वो केवल अपने केवल वो अपने मन की बात करते दुष्यंत चौटाला सांसद आईएनएलडी के मेरे साथ बने हुए नवाब मलिक साहब मेरे साथ बने हुए हैं मैं दुष्यंत चौटाला कल संसद में जो कुछ होगा वो तो लाइव होगा लेकिन आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप किसकी तरफ हैं सरकार की तरफ या महागठबंधन यानी विपक्ष की तरफ रमेश जो कल होगा पार्लियामेंट में वो तो सारा देश कल पार्लियामेंट के सदन से लाइव देखने का काम करेगा मगर एक बहुत बड़ी बात है कि आज दो दशक बाद फ्लोर टेस्ट कैबिनेट का है अकेले नरेंद्र मोदी जी नहीं उनके सारे वजीरों का है और मेरा ये मानना है कि उनका जो फेलियर रहा है जिस तरीके से हर मंत्रालय के अंदर बड़े बड़े वादे होने के बावजूद भी कदम नहीं उठाए गए जहाँ उन पर चर्चा होगी मुझे लगता है कि देश जरूर सरकार से जवाब मांगेगा और ख़ास तौर पर जितने दल आज एनडीए के साथ नहीं है उनकी अहम जिम्मेवारी बनती है कि सदन के अंदर जरूर सभी मंत्रियों से उनके चार साल के लेखे जोखे का रिपोर्ट लेने का काम करे जिस तरह पूनिया जी कह रहे थे अगर कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस यह अविश्वास पहले भी ला सकती थी मगर कहीं ना कहीं ये हिम्मत टीडीपी के सांसदों ने दिखाई मैं तो उनको बधाई दूंगा कि आज उन्हें ये कदम तो जरूर उठाया कि सरकार को खबर तो ये भी आ रही है चौटाला साहब खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस कांग्रेस का एक धड़ा बोल रहा है कि इससे नरेंद्र मोदी को कल फ्राइडे इवनिंग को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो एक ब्लॉकबस्टर स्पीच देंगे कुछ नहीं कहा नहीं नहीं ऐसी खबर आ रही है ये सूत्रों के हवाले से आ रही है किसी ने नहीं कहा सर सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है हमारे रिपोर्टर ने खबर दी कल ये खबर चली इस सरकार से जवाब लेना चाहते थे तो अब तक आपके कांग्रेस के साथियों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया पुनिया साहब चौटाला साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतनी देरी क्यों कर देते हैं हर चीज के अंदर हालांकि आपकी पार्टी में एक धड़ा कह रहा है थोड़ी जल्दीबाजी कर दी आखिरी दौर में लेके आते तो फायदा होता ज्यादा अभी नरेंद्र मोदी पूरी पूरी माइलेज ले जाएंगे देखिए सरकार फिर ये कहती कि अभी तो हमको एक साल हुए हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया हम तो वेट करते रहे और सरकार को मौका दिया पूरा मौका दिया चार साल मौका दे दिया और उसके बाद पूछ रहे हैं कि भाई चार साल में आपने कुछ नहीं किया तो आप हिसाब दीजिए आपका रिपोर्ट कार्ड चौटाला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ओके दुष्यंत चौटाला मेक यू पॉइंट 20 सेकंड दुष्यंत चौटाला मेक यू पॉइंट अंशान बाद उसने नाना जय कुमार ओके नवाब मलिक भी इंतजार कर रहे दुष्यंत चौटाला 20 सेकंड्स मेक यू पॉइंट दुष्यंत चौटाला जी अभिष मैं तो एक चीज कहूंगा कि अगर कांग्रेस चाहती तो हर साल रिपोर्ट कार्ड ले सकती थी उनको खुद पे तो विश्वास होना चाहिए था सबसे बड़ा दल विपक्ष में होने के बावजूद भी वो कदम नहीं उठा पाती क्योंकि 10 साल उनने जो गड्ढे खोदे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी उन गड्ढों को और बढ़ाने का काम कर रही है अच्छा, और ये कल देखना तो पड़ेगा मतलब कि आज आपका देश समझ को में आ रहा है आप सरकार के खिलाफ ही वोट डालने वाले हैं खड़ा होगा क्या मैं सही हूं कल आप सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे दुष्यंत चौटाला यानी आपको कांग्रेस में भी गड्ढा दिखता है या तो एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि आपको कांग्रेस भी सही नहीं दिख रही बीजेपी भी सही दिख रही कांग्रेस में अपना आत्मविश्वास नहीं है बताइए दुष्यंत चौटाला जो कल होगा वो तो जरूर सदन के पटल के अंदर ही आपको सामने आएगा कुछ तो खबर दीजिए हजूर जरूर बोल सकता हजूर कुछ तो खबर हमें भी दीजिए नहीं तो फिर हमें सूत्रों के हवाले से चलानी पड़ेगी और पुनिया साहब और शाहनवाज हमें पकड़ लेंगे अमित जी खबरों को लड़ने का काम करेगा पुनिया साहब मैं समझ गया अमित जी अभी भी आप नहीं समझे मैं समझ गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये आपकी भी तारीफ नहीं कर रहे ना पुनिया साहब ये आपकी भी तारीफ नहीं कर रहे ये शाहनवाज हुसैन की भी तारीफ नहीं कर रहे नहीं, हमारी कांग्रेस के हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है इन्होंने बराबर बराबर का बराबर की दूरी बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वाले विचारधारा की खिलाफत कर रहे हैं यही हमको खुशी इस बात के साथ तो कभी नहीं रहा है जी चौटाला साहब का हाथ कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा है नहीं इनकी तो राजनीति कांग्रेस के विरोध में है कांग्रेस के विरोध की राजनीति जी जी अच्छी बहस हो रही है ऐसी बहस कम देखने को मिलती है जी जी मैं पुनिया साहब आपको बताऊंगा अजय कुमार का विरोध सरकार के खिलाफ है बिल्कुल अजय कुमार और नवाब मलिक साहब इंतजार कर रहे हैं नवाब मलिक माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू जिस मिशन पर बीजेपी काम कर रही है 350 प्लस और आपने बोला कि
विपक्ष को कम टाइम देना ठीक नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जितनी सीटें बीजेपी और एनडीए का नंबर 300 से ज्यादा है तो इसीलिए उनके पास 3 घंटे 30 मिनट है और बाकी बाकियों के पास कम है? ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस रीजन है, संसद की मर्यादा को तो आप भी समझेंगे। बताइए क्या आपको लगता है कि कल 350 सीटों के साथ और 3.5 घंटे समय के साथ नरेंद्र मोदी एक ब्लॉकबस्टर पेश करेंगे कल, या फिर राहुल गांधी भूकंप लाएंगे? मैं एक मिनट में बात पूरी करूंगा। एक परंपरा है, एक नियम है। परंपरा ये है कि विपक्ष को निम्न समय बांटकर दिया जाता है, ये देख लें आप, उसका इतिहास है। एक, जहां तक 350 का आप नंबर बोल रहे हैं, शिवसेना वोट डालेगी, शिवसेना के तो मंत्री हैं आनंद गीते जी, वो सरकार में है तो निश्चित रूप से सरकार के साथ रहेंगे। जो यहाँ पे AIDMK जो बीजेपी के साथ जा रही है, निश्चित रूप से अल्पमत की तमिलनाडु की सरकार मोदी जी के इशारे पर गवर्नर साहब ने चलाई है। और खबर ये है TRS भी देगी साथ। अल्पमत की सरकार टिकी रहती है तो नहीं, जरा सुनिए ना, अल्पमत की सरकार अगर टिकी रहती है तो निश्चित रूप से वो जाएंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तमिलनाडु में क्लीन स्वीप DMK का होने वाला है, ये सारी खबरें वहां से आ रही। हमें लगता है TRS वाला कहीं ना कहीं गॉसिप है, DMK जाएगी क्योंकि DMK की अल्पमत की सरकार मोदी जी चलवा रहे हैं। AIDMK ने क्यों निर्णय किया वो उनको बताना चाहिए। अजय कुमार कुछ कहना चाहते हैं? अजय कुमार, रंजीत रंजन कह रही है आपने अल्पमत सरकार को कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए अलाउ किया? अजय कुमार जवाब देंगे। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास और विपक्षी दलों के पास इस सरकार को घेरने का कोई मुद्दा है नहीं, और ये कल समय बर्बादी के सिवा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, वहाँ जो गठबंधन बनता है उसमें कांग्रेस समय बर्बादी कैसे है जी? ये समय कैसे है? 4.5 देश को जवाब मिलेगा, सरकार से भी जवाब मिलेगा। उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? उसमें तो भूकंप आ जाएगा। आज वो घड़ी आ गई जी जब वो था कि हम इंतजार करेंगे क़यामत तक जी, खुदा करे कि क़यामत हो तू आए। ठीक है, वो इंतजार जो क़यामत का इंतजार नहीं है, कल का है। और 15 मिनट राहुल जी का भाषण क्या होगा उस पर देश के लोग डिबेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नवाब मलिक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, घनश्याम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम, कल क़यामत आएगी जिसका इंतजार हो रहा था। देखिए, कयामत, सुनामी, भूकंप, ये तीनों दुखदाई होते हैं, जनता के लिए दर्दनाक होते हैं। और जो सरकार ने जो 4.5 साल में किया है, लिंच रेजिम जो बिल्ड हुई है, वो आपके सामने है। बड़ी बात क्या है, आज इस सरकार के साथ कौन खड़ा है? आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। सब लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बताइए जो देश के लिए सुखदाई होता है, जो आज कुमार कह रहे हैं वो मंजर है, तो सरकार के लिए सुखदाई है। मुझे क्यों बताइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार, वो हवा तो दिखाइए। अजय कुमार, देश के लिए सब लोग बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, सब लोग बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। पुनिया साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नवाब मलिक, आई प्रॉमिस आई विल कम बैक टू यू। दुष्यंत चौटाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। मैं कंतराल के बाद वापस आ रहा हूँ, लेकिन आज का अर्पण बेहद जबरदस्त है, बहुत बड़ी खबर, ब्रेक के बाद सुनिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 350 पे काम कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार को हर हाल में एक्सपोज करके रहेंगे। और कांग्रेस का ऐसा मानना है, जो सूत्र कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि कल सरकार को हम नहीं छोड़ने वाले, चारों खाने चित करेंगे, इन 40 मिनटों में हम एक्सपोज कर देंगे। मैं घनश्याम तिवारी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये माने कल NCP सरकार को एक्सपोज करेगी हर मुद्दे के ऊपर, जो कांग्रेस की रणनीति है उसका साथ देंगे आप पुरजोर तरीके से? 40 सेकंड नवाब मलिक। निश्चित रूप से हम विपक्ष के साथ हैं, सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और जिन मुद्दों पे बोलने का मौका मिलेगा बोलेंगे। मैं यहाँ पे LGP के महासचिव जी से कह देता हूँ, अजय कुमार जी, देखिए, एक जो संसद के हथियार हैं उसके तहत चर्चाएं होती है, संसद सदस्यों का अधिकार है। आप ये कहें कि वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें लगता है प्रिविलेज है लोगों को।
मेरा आप कहीं ना कहीं आप सुनिए माननीय, अगर मैं सदन में होता तो आप प्रिविलेज मोशन लाकर आपसे माफी मांगवाता या मैं दंडित करवाता। आप इस तरह से संसद की गरिमा का अवमान ना करें, जानना चाहता हूं कि क्या एक विशेष भंग अधिकार लाकर आपको क्षमा मंगवा देता अगर मैं सदन में होता तो। क्या जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करके ही सरकार से हिसाब मांगा जाने का तरीका? आप छोड़िए, नहीं ये इस देश में बच गया है संसद और सदस्यों के अधिकारों का हनन ना करें। आपको कहीं माफी मांगनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा। क्यों नहीं चलने देता है? इस तरह से ना कहें। विपक्ष आए दिन क्यों नहीं प्रेस वार्ता? नहीं पर पहचान बात से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद है, एक बड़ा बयान दिया। बात करना ठीक नहीं है। नहीं देखिए देखिए वो भी अपनी पार्टी के महासचिव है, अपना पॉइंट रख रहे हैं। उनकी 6 सांसद है, वो भी अपना पॉइंट रख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? उनकी पार्टी तो मुझे समझ में आती है पुनिया जी की, कि अपने अध्यक्ष का नाम प्लेट उखाड़ के फेंक देते हैं, सीताराम केसरी जी को बेइज्जत करके निकालते हैं, वही कल्चर ये आज टीवी पे दिखा रहे हैं। उनकी पार्टी का तो मुझे पता है कि अगर नरसिम्हा राव चुनाव हारते हैं तो हटा दिए जाते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस में फेल हो जाते हैं, पार्टी को खड़ा नहीं कर पाते तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी कहते हैं और आप यहाँ भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को भी तो लूट पार्टी कहते हैं। करने वाले समाजवादी पार्टी को भी तो लूट पार्टी करने वाले लोग कांग्रेस जी उत्तर प्रदेश की लूट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की लूट पार्टी के मुद्दों को छोड़ दिया। और मुद्दों को मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मोदी जी के गांधी जी भाषण देंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ कल मैं जानना चाहता हूँ। बड़ी खबर है। रंजीत एक सेकंड, रंजीत रंजन कह रही है गुप्त मतदान अगर हो तो बीजेपी के तमाम सांसद हमारे पक्ष में वोट देंगे। शाहनवाज हुसैन देखिए, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है, वो जानते हैं कि उनके पास तादाद नहीं है, वो जानते हैं कि उनका जो गठबंधन है उससे और सांसद घटने वाले हैं। तो गुप्त मतदान अगर हो जाता तो पता लगता 48 कांग्रेस के सांसदों में शायद 8 ही वोट कांग्रेस को मिलता, क्योंकि कांग्रेस के भी सांसदों को लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव है। पुनिया साहब, वो अपनी बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रम पैदा करना कि गुप्त वोट हो तो वोट नहीं होगा, क्यों होगा गुप्त मतदान? लोकतंत्र में जो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से खुलेआम लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसलिए ट्रांसपेरेंसी से वोट होगा। अगर आपको इतना भरोसा है, एक सेकंड बात करेंगे, अगर पुनिया साहब आपको इतना बड़ा भरोसा है तो फिर आपके कई नेता ये क्यों कह रहे हैं कि नंबर इतना मैटर नहीं करते? आपके कई बड़े नेता कह रहे हैं नंबर मैटर नहीं करते, अविश्वास प्रस्ताव सरकार को एक्सपोज करने के लिए नंबर नहीं है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। तो ये सही है, तो इसमें कौन गलत बात है? हमारे पास अगर नंबर नहीं है, लेकिन अगर नंबर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव टीडीपी के पीछे जाकर कांग्रेस क्यों ला रही है? यही सवाल तो यही सवाल तो पूछ रहा हूँ। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का यही तरीका है, खड़ा करने का यही तरीका है। चार साल आपने चलने नहीं दी। अगर आप ये कह रहे हैं, मैं पुनिया साहब से आदर के साथ कहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ये तरीका है सरकार को एक्सपोज करने का, तो 4 साल में अगर आप संसद चलने देते और ज्यादा समय मिलता। बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ घनश्याम। शाहनवाज जी मैं माफी चाहता हूँ, अब आपके पास नहीं आ पाऊंगा। अजय कुमार आपका शुक्रिया। पुनिया साहब, नवाब मलिक, प्लेजर हैविंग यू, वेरी सॉरी। घनश्याम तिवारी, आखिरी दौर में आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन समय यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि कल दो दो हाथ होंगे और पता लगेगा कि ऊंट किस कमर बैठेगा। लेकिन बीजेपी मिशन 350 पे काम कर रही है और क्या राहुल गांधी के बोलने से क्या कल संसद में भूकंप आएगा, देखने वाली बात यही होगी। कल 7 बजे दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं सुमित का, जो अगली बहस के साथ तैयार है। सुमित, ओवर टू यू।